गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज हरियाणा में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, बी कानून द्वारा, सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, और डी केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा जजों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। तो 5 सेकेंड में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कानून द्वारा, संसद के द्वारा कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदला जा सकता है। और आपको बता दूं, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है वो है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक का कार्य करना चाहिए? कहने का अर्थ है भी कितने वर्ष का उसका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए उच्च न्यायालय में। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, और डी 20 वर्ष। तो फ्रेंड्स, आपको 5 सेकेंड में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? ये जाना गलत लिख दिया, जाता है मतलब अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? और इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, और डी चौथी अनुसूची। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, विभाग है? और इसके ऑप्शन है ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, और डी सड़क परिवहन मंत्रालय। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई? और इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, और डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम सबसे पहले किस राज्य में प्रयोग की गई। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में 1982 में ईवीएम की पहली बार प्रयोग की गई इलेक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट किस देश की संसद का नाम है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, बी फ्रांस, सी स्पेन, और डी इटली। तो फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि डाइट किस देश की संसद का नाम है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान। डाइट है वो जापान की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1959, बी 1961, सी 1963,
और डी 1965। तो फ्रेंड्स आपको राइट इसका राइट आंसर बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर कब घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1963 में जो मोर है उसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1852, बी 1856, ऑप्शन सी 1858 और डी 1860। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है कि राज्यपाल को उसके कार्यकाल से कौन हटा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड केनिन और सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है तो 5 सेकंड में बताइए किसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विधानसभा के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1949, बी 1950, सी 1952 और डी 1953। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स आपको इसमें बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र बताया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जुलाई 1946 में, बी अगस्त 1946 में, सी सितंबर 1946 में और डी अक्टूबर 1946 में। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सितंबर 1946 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, बी आर्थिक अधिकार है, सी मौलिक कर्तव्य है, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो फ्रेंड्स आपको इसके में बताना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किसका अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 19।
तो फ्रेंड्स आपको इसमें से बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी निर्वाचन आयुक्त, सी राज्यपाल और डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक यानी केग का कार्यकाल कितना होता है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी तय नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें से बताना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केग का कार्यकाल कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं रखता? और इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी वित्त आयोग के अध्यक्ष और डी भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, तो बताइए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। जो भारत के अटॉर्नी जनरल है वो संसद के दोनों सदनों में बोलने का और अन्य कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार रखता है परंतु उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद हिदायतुल्ला, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी फखरुद्दीन अली मोहम्मद अहमद और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? और इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, सी दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और डी सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा बनाई जा सकती है? जो नई अखिल भारतीय सेवा है वो किसके द्वारा बनाई जा सकती है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव पास कर और सी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, डी लोकसभा द्वारा एक प्रस्ताव पास कर। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है कि नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी आर के षणमुखम शेट्टी, डी मुरारजी देसाई।
तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आर के षणमुखम चेट्टी जी के द्वारा भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बी महाधिवक्ता, सी उपराष्ट्रपति और डी महान्यायवादी। तो फ्रेंड्स आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, सी चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। तो फ्रेंड आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के किस भाग को नहीं संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाग एक, बी भाग दो, सी भाग तीन और ऑप्शन डी भाग चार। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको पता नहीं है तो बाद में आपके कमेंट के नीचे मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।